हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बॉलीवुड हमेशा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स, लिव इन रिलेशनशिप या एक से अधिक शादी और तलाक के लिए बदनाम रहा है। बहुत ही कम सेलिब्रिटीज हैं जिनका मैरिज स्टेटस लविंग एंड केयरिंग कपल की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। हम पर्दे पर दिखने वाले कपल्स या लव स्टोरीज से जरूर इंस्पायर होते हैं और उनके जैसी लव लाइफ चाहते हैं, लेकिन जब हम उनकी रियल लाइफ में झांकते हैं तो वहां हम एक ओपिनियन क्रिएट करने या उन्हें जज करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है, रियल सोसाइटी में नहीं, लेकिन हम उन्हें इतना आइडियलाइज कर लेते हैं कि हमें लगता है कि यह हमारा अधिकार है कि हम उनके रिश्तों पर जजमेंट दे सकते हैं। खैर, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार शादियाँ की हैं और अब भी उनके मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आई है या नहीं पता नहीं। तो पहले जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हैं फेमस फिल्म एक्ट्रेस राजश्री के पिता और झनक झनक पायल बाजे, नवरंग और दो आंखें बारह हाथ जैसी फिल्मों के फेमस एक्टर वी शांतारमन। उन्होंने तीन शादियां की। वी शांतारमन ने पहली शादी विमला से की थी, दूसरी शादी फिल्म एक्ट्रेस जयश्री कामुलकर और तीसरी शादी फिल्म एक्ट्रेस संध्या से की थी। दूसरे एक्टर हैं किशोर कुमार, जो कि एक फेमस सिंगर भी हैं। किशोर कुमार ने तीन बार नहीं बल्कि चार बार शादी की थी। उनकी पहली पत्नी थी रुमा गुहा, उनकी दूसरी पत्नी थी फिल्म एक्ट्रेस मधुबाला। मधुबाला की मौत के बाद उन्होंने योगिता बाली से शादी की थी, लेकिन यह शादी कुछ ही महीने चल पाई। फिर आखिरकार उन्होंने लीना से शादी की जो अंत तक रही। लीना की भी यह दूसरी शादी थी। तीसरे एक्टर हैं विनोद मेहरा। उनकी पहली शादी हुई थी मीना से, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। फिर उनका रेखा से अफेयर रहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गुपचुप शादी भी की थी, लेकिन चलिए इसे हमें दूसरी शादी में नहीं गिनते। उनकी दूसरी शादी हुई थी बिंदिया गोस्वामी से, जिसके बाद में उनका तलाक भी हो गया था। वैसे उनके तलाक की वजह कोई झगड़ा था, ऐसी कोई भी बात मीडिया में सामने नहीं आई। विनोद मेहरा ने 1988 में तीसरी शादी की थी किरण के साथ, जो मरते दम तक उनके साथ रही। चौथे एक्टर हैं साउथ और हिंदी सिनेमा के फेमस एक्टर कमल हासन। कमल हासन की पहली पत्नी वाणी गणपति एक क्लासिकल डांसर थी, जिससे उनकी शादी लगभग 10 साल चली। फिर उन्होंने फेमस एक्ट्रेस सारिका से शादी की। सारिका से रिश्ता टूटने के बाद वो तमिल एक्ट्रेस गौथमी के साथ लिव इन में रहे, जिससे बाद में उन्होंने शादी भी की और फिर अलग भी हो गए। पांचवे एक्टर हैं संजय दत्त, जिन्होंने 1987 में पहली शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से की थी। ऋचा की मौत के बाद दूसरी शादी उन्होंने रिया पिल्लई से 1998 में की थी। उनका यह रिश्ता 7 सालों तक चला। फिर तीसरी शादी उन्होंने 2000 में मान्यता दत्त से की, जो आज तक कायम है। छठे एक्टर हैं 70 साल के कबीर बेदी, जिन्होंने हाल ही में प्रवीण दोसांझ से चौथी शादी की है। कबीर बेदी ने पहली शादी ओडिसी डांसर प्रतिमा बेदी से, दूसरी शादी ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सूसन हम्फ्रीज से और तीसरी शादी टीवी प्रेजेंटर निक्की से की थी। सातवें हैं सिंगर अदनान सामी, जिन्होंने 1993 में एक फिल्म एक्ट्रेस जेवा बख्तियार से शादी की थी। तीन साल बाद उन्होंने दुबई की एक लड़की शबा से दूसरी शादी की और तीसरी शादी अफगान की एक लड़की रोया फरियाबी से की। रोया से उन्हें एक बेटी है और अब ये तीनों भारतीय नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं और यह शादी अभी तक टिकी हुई है। आठवीं एक्ट्रेस है शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम, जिन्होंने फेमस एक्टर पंकज कपूर से पहली शादी की थी और इन दोनों का बेटा है शाहिद कपूर। नीलिमा ने दूसरी शादी टीवी एक्टर राजेश खट्टर से की थी, जिससे उन्हें दूसरा बेटा हुआ था ईशान खट्टर। फिर बाद में नीलिमा ने तीसरी शादी अपने बचपन के दोस्त उस्ताद रजा अली खान से किया, जो कि फेमस सिंगर गुलाम अली खान के ग्रैंड। नवे नंबर पे एक सिंगर और एक्टर हैं लकी अली, जो महमूद के बेटे भी हैं। उन्होंने मॉडल मेघना जैन से पहली शादी की, फिर उन्होंने एक पारसी लड़की इनाया से दूसरी शादी की और फिर एक ब्रिटिश मॉडल और फॉर्मर मिस इंग्लैंड केट हल्लाम से उन्होंने तीसरी शादी की। दसवें नंबर पे जो एक्टर हैं वो है टीवी के स्टार करण सिंह ग्रोवर। उन्होंने टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से पहली शादी की थी, दूसरी शादी उन्होंने फेमस टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विनगेट से की थी और तीसरी शादी उन्होंने बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस विपाशा बासु से की है, जिसके साथ वो आज भी हैं। इसमें भी यह इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने यह तीनों शादी तीन अलग अलग पारंपरिक तरीकों से की थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।